बढ़िया मूवी देखी, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। जोड़ी की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति की कैसी लगी आपको? सुपर बहुत अच्छा है। और इन लोगों की जो लव स्टोरी है ना वो बहुत अच्छी है, सुपर है। ये सबसे हटके मूवी बनी है बॉलीवुड से, भोजपुरी से सबसे हटके बनी है। इसमें का जो कोई कोई मोमेंट है, जैसे कि वो अपना मंडप छोड़ के आता है इससे शादी करने, वहाँ का जो सीन है ना एकदम फंटास्टिक सुपर। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत भागे? वही जो अपना मंडप छोड़ के आता है एकदम बिंदास, जैसे कि सारी दुनिया को छोड़ के एकदम, वो बहुत अच्छा लगा। ओके, फाइव आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? बहुत अच्छी मूवी है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसलिए आई थी। ओके, केमिस्ट्री की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? वो हमेशा उनकी केमिस्ट्री सबको मतलब ट्रेलर से समझ में आ जाती है कि कितनी कंफर्टेबल होती, कितनी नेचुरल लगती है। वो लोग की जो फ्रेंडशिप है एक्चुअली वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी रियल है, इंडस्ट्री में रह के उनकी फ्रेंडशिप इज वेरी रियल, तो वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी दिखती है। कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बिहार में जो जबरदस्ती जो शादी होती है उसके बारे में क्या कहना? कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा चूज किया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि डाउरी नहीं देना पड़े तो इसलिए फोर्स मैरिजेस होती है, तो इसको सीरियस वे में दिखाने से बेटर था कि इन लोगों ने मैसेज भी अच्छा कन्वे कर दिया ऑडियंस को एंड एंटरटेनिंग भी रखा है मूवी को। जो डायलॉग्स है जो वे में है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छे एक्चुअली डायलॉग जिसने भी लिखे हैं बहुत ही अच्छे लिखे, काफी फ्रेश है, काफी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे, तो दे आर नाइस। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 आउट ऑफ 5 परसेंट। जबरिया जोड़ी के सभी यूनिट सभी आर्टिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए, खास करके फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए। ओके, जो सिद्धार्थ ने जो बोली पकड़ी है बिहारी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपको बता दूं, मेरा नाम संजय भूषण पटियाला है और मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ, और पटना में एक जगह है मीठापुर जिस जगह का डायरेक्टर ने यूज़ किया है नाम का, मज़ा आ गया और पटना के लैंग्वेज को सुनकर और मुझे फिल्म देखने में इंजॉय हुआ। हर में मैं खुद बैठा हुआ हॉल में, सारे पब्लिक ताली मार रहे थे, सिटी बजा रहे थे। ओके, मूवी में जो कॉन्सेप्ट है बिहार में जो जबरदस्ती शादी की जाती है उसके बारे में दिखाया गया, तो उसके बारे में क्या? दहेज प्रथा और एक है पकड़ा हुआ दुल्हा, ये गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी बिहार में खास करके, तो उस चीज़ को इन्होंने नाम दिया है जबरिया जोड़ी, मतलब जबरदस्ती शादी होती है। जैसे कि आप कोई चीज़ चाइना से अगर खरीद के ले आते हैं 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसी तरह जबरिया जोड़ी इन्होंने दिखाया है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, 6 महीना साल भर में तलाक लोग आ जाते हैं। तो जबरिया जोड़ी में कई ऐसे शादियाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो पिता होते हैं कराते हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, फिल्म में दिखाया गया है। फिर उनके बेटा सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस प्रणीति चोपड़ा से प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों इजहार नहीं कर पाते हैं क्योंकि जबरिया जोड़ी उन लोगों को करना नहीं था। लास्ट में दोनों के मिलाप किया गया है, क्लाइमेक्स के बाद शादी होती है, दोनों को एंजॉय करते हैं, पूरे फैमिली एंजॉय करते हैं। 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। सर, अभी आपने जबरिया जोड़ी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ थोड़ा सा ड्रैग लगा, लेकिन एंटरटेनिंग फिल्म है, फैमिली फिल्म है, सबके साथ देखनी चाहिए, बहुत एंटरटेनिंग है। ओके, केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना है जो परिणीति और सिद्धार्थ ने जो एज ऑलवेज यार हंसी तो फंसी में भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों का पेयर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक दे शुड वर्क मोर, और बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। मूवी में जो वन लाइनर है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वन लाइनर्स तो बेमिसाल है यार, आई वॉज लाफिंग, द होल ऑडियंस वॉज क्रैकिंग ऑन द डायलॉग, बहुत कमाल के डायलॉग थे जिसने भी लिखे, आई कुडंट कैच द नेम रियली, बट जिसने भी डायलॉग लिखे बहुत कमाल के डायलॉग थे। 5 आउट ऑफ 4 कितना देना चाहिए? यार 5 आउट ऑफ आई वुड गिव 3.5। आपने जस्ट अभी जबरिया जोड़ी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, लव स्टोरी अच्छी लगी उसकी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति की जोड़ी कैसी लगी आपको? बेस्ट मूवी थी वो, मींस अच्छी जोड़ी लगी हमको। डायलॉग से वो कैसी लगी आपको? वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार। ओके सर, अभी आप जबरिया जोड़ी देख के आ रहे हैं तो कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया मूवी है। ओके, एक्टिंग की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति कैसे लगे आपको? अच्छे, उन्होंने पहले भी फिल्म की हुई है तो जोड़ी अच्छी है। ओके, जावेद जाफरी जी के बारे में क्या कहना है? बहुत ही अलग कैरेक्टर निभा रहे हैं इस बार। बहुत बढ़िया एक्टर हैं भाई, वो तो पुराने एक्टर हैं, उनका क्या बताएं हम। ओके, कितना स्टार देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ 5? 3.5। इंटरेस्टिंग है, सेम ओल्ड स्टोरी है लेकिन एक्टिंग अच्छा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो काफी अच्छा कपल है, ऑन स्क्रीन अच्छा कपल है, तो एंटरटेनिंग था। ओके, कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है? जो कॉन्सेप्ट आया है ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है, खाली वो कपल एज ए न्यू एक्टर्स अच्छे दिखते हैं। ओके, कितना स्टार देना चाहेंगे? 2.5 to 3 स्टार्स। सर, जस्ट ना अभी आपने जबरिया जोड़ी देखी तो कैसी लगी मूवी?
अच्छी लगे। ओके केमिस्ट्री की बात करें तो सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री कैसी लगी स्क्रीन पर? जम रही है। ओके और जावेद जाफरी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत टाइम के बाद अलग रोल में दिखे। अच्छा है रोल उसका। ओके फायर टॉस स्टार कितना देना चाहेंगे? 3।